कोरोना का कहर, 8 दिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की कोरोना ने ली जान। आज जहां पूरे संसार में कोरोना महामारी से लाखों कीमती जाने चली गई और कई लोग अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, वह उनके परिवार ही जानता है कि यह बीमारी कितनी भयानक है। पंजाब के जिला फरीदकोट के कोटकपुरा इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों ने 8 दिन के अंदर अंदर कोरोना महामारी से अपनी जान गंवा ली। कोरोना महामारी से जुड़ी आज की खास रिपोर्ट, फरीदकोट से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश गोयल जी। सर क्या हुआ आपके परिवार में और कैसे हुआ है? परिवार में जी सबसे पहले छोटे भाई गगन गोयल की, उसको 2-3 दिन बुखार हुआ है। जब उसको टेस्ट करवाया तो हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन कम है। उसको हमने 3 तारीख को साथ के साथ फरीदकोट मेडिकल में एडमिट करवा दिया। 4 तारीख को मेरे पिताजी को, पवन गोयल जी को, उनकी हमने ऑक्सीजन घर पे चेक करते थे, कम में कम लगी तो उनको भी 4 तारीख को एडमिट करवा दिया मेडिकल फरीदकोट में ही। वहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था जी बस। उसके बाद अगले एतवार को माता जी को भी एडमिट करवाना पड़ा ऑक्सीजन कम करने, जब चेक कर रहे थे तो तीनों को। 11 तारीख को गगन की डेथ हो गई। उसके बाद एक हफ्ते बाद ही कल पिताजी की डेथ हो गई। परसों रात को उनका संस्कार किया और सुबह ही 2 बजे अपने फिर माताजी की खबर आ गई, उनकी भी डेथ हो गई। तो सभी कोरोना पॉजिटिव, तीनों वहां जाके पता लगे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो सर आप इस घर में और कौन कौन रह रहा है? बस इस घर में जी उसकी अपना छोटा भाई था जो गगन की फैमिली थी, मिसी जी, बस गगन की मिसी जी भी। हाँ वो भी कोरोना पॉजिटिव है, उसको आइसोलेट किया हुआ है। ठीक है नहीं तबीयत ठीक है? हाँ उनकी तबीयत ठीक है। तो प्रशासन की ओर से संस्कार के लिए आए थे? हाँ जी, उनकी तरफ से पूरा अरेंजमेंट था, पीपी किट वगैरह का, या जो भी साथ में 2 बंदे ने सपोर्ट दी थी वो करवा के गए थे। आपके परिवार में इतने बड़े ट्रेजेडी हो गई है, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को यही संदेश है जी, जिसके साथ कुछ भी बुखार हल्का उसको हल्के में ना ले, साथ के साथ अपना ट्रीटमेंट करें पहले दिन सही और आइसोलेट हो जाए। ये जो तीनों डेथ हुई कितने दिन के अंदर अंदर हुई? 1 हफ्ते के अंदर तीनों डेथ हो गई। हाँ जी, हमारे पास कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो 1834 हैं, और इनमें से जो पॉजिटिव टोटल केस चल रहे हैं दैट इज़ वो 2000, वो जो केस हैं पॉजिटिव जो 10,918 हैं पॉजिटिव केस, लेकिन इनमें से 8,889 क्योर हो चुके हैं, 1834 जो है एक्टिव केस हैं, और इनमें से 195 डेथ्स हो चुकी हैं। सो अभी तक ज़िले में जो पॉजिटिविटी है इस महीने की, अभी 18 दिनों में जो पॉजिटिविटी है वो कम हुई है पहले से। पहले हमारी पॉजिटिविटी 15% चल रही थी, जो अब 13% है। पॉजिटिविटी कम हो रही है, कैजुअलिटीज़ थोड़ी, डेथ्स बढ़ी हैं, लेकिन हमारी टीमें हर जगह जाकर सैंपलिंग कर रही हैं। कंटेनमेंट जोन बनाए हुए हमने, 2 कंटेनमेंट जोन हैं, 4 क्लस्टर हैं हमारे पास, 4 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं जिनमें एक्सटेंसिव सैंपलिंग कर रहे हैं टीमें, और वहाँ 100% सैंपलिंग कर रहे हैं कॉन्टैक्ट्स की, और जिससे ये हो रहा है कि हमारे पास पॉजिटिविटी भी वहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन में पता चल जाती है। और वहाँ जो लोग होम आइसोलेशन में हमारे पास पड़े हैं, 1453 ये ज़िले में होम आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, इनको हेल्थ टीम्स जा के मिलती हैं, मॉनिटर कर रही हैं, इनको हाई रिस्क में बांटा हुआ है। कुछ 288 इनमें से हाई रिस्क में चल रहे हैं, जिनकी एज अबाव 60 है, या जिनकी पल्स रेट बढ़ती है, या परसिस्टेंट फीवर है। जब भी उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो उन लोगों को हम टीम्स वहाँ से एम्बुलेंस द्वारा शिफ्ट करके मेडिकल कॉलेज में ले जाती हैं। वहाँ पे L2 L3 की फैसिलिटी है, और वहाँ पे उनका एडमिशन और फुल केयर मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो कर रहे हैं।
ऐसा है कि जैसे एक होम आइसोलेशन में पेशेंट पॉजिटिव आता है, जब हम उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, फतेह किट दी जाती है और उनको बताया जाता है कि आप कंप्लीटली आइसोलेट रहो फैमिली से। जब ये आइसोलेशन में कहीं ब्रेक आता है तो घर में जो और मेंबर है वो भी इन्फेक्शन में चले जाते हैं। तो इसमें यही हुआ है कि एक बच्चा जो 32-38 के करीब थे, गगन गोयल, वहाँ पे उनको पॉजिटिव आए, ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर वहाँ से L2 में ले गए, वहाँ हॉस्पिटल में 2-3 दिन ट्रीटमेंट रहा कि जो ये वायरस है बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा डेडली वायरस है, यंगस्टर को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, तो उनसे उनकी वहाँ पे L2 में डेथ हो गई हॉस्पिटल में। इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो उनके फादर थे और मदर थे वो भी इन्फेक्टिव हो गए, फिर उनकी भी पॉजिटिव हो गया और यही वायरस जो सेम डेडली था उनको इन्फेक्ट करके उनकी भी डेथ हुई। अब यहाँ से हमें ये देखना है, लोगों को ये सीखना है कि भाई जब भी कहीं कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है घर में तो उसको स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन में रखें। आप कोई उनके घर में एक ऐसा कमरा दे दो जहाँ से उन बाकी लोगों का कांटेक्ट कम से कम हो, खाना पीना उसका सेपरेट हो जाए और उसको टाइम टू टाइम हमारी जो होम आइसोलेशन की टीमें हैं वो मॉनिटर करती रहती हैं। अब उसकी अगर स्थिति बिगड़ती है तो वो इन्फॉर्म करता है, वहाँ से लिफ्ट करके फिर मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं। लेकिन होम आइसोलेशन में जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना होगा। ये मैं सभी जिलावासियों से प्रार्थना भी करूँगा कि भाई विनती भी करता हूँ कि ऐसा मत करें, जब भी होम आइसोलेशन में पॉजिटिविटी कोई पॉजिटिव केस हम रखते हैं तो अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट करें बाकी सभी फैमिली मेम्बर से। जब तक वो नहीं करेगा तो इन्फेक्शन दूसरे मेंबर्स को भी होगी, तो ऐसी स्थिति फिर बार बार आएगी। ये गाइडलाइंस फॉलो करनी जरूरी है। अभी मैंने अभी SMO से बात की है, उनके घर टीम भेजी है, उनकी टेस्टिंग उनका जो भी होगा अभी, क्योंकि उसके 2 बच्चे भी हैं, उन सब का टेस्टिंग होगा। ये चीज़ अभी हमें शाम तक पता चल जाएगा, उनके सैम्पलिंग के लिए होम मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं वो फिर वायलेट ना करें ऐसी होम आइसोलेशन की स्थिति। क्योंकि ये जो होम आइसोलेशन में जो गाइडलाइंस है ना, वो ये है कि बंदा सेपरेट रहे, उसका सारा सिस्टम अलग रहे, टॉवल, टॉयलेट, बाथरूम, घर में वो रूम जैसे आप उसको अपर स्टोरी में दे सकते हो कमरा, जहाँ लोगों का बाकी मेंबर्स का आना जाना बिल्कुल ना हो, और उसका साथ में अगर उसकी कोई स्थिति बिगड़ दी है तो वो जो हेल्थ टीम है मॉनिटर करने वाली उसको वो बता सकते हैं, देन वी शिफ्ट द पेशेंट इमीडिएटली। तो ये सब चीज़ें हम सब के लिए एक लर्निंग पॉइंट है, सीखने वाली बात है कि हमें स्ट्रिक्टली होम आइसोलेशन में वो सभी गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी ताकि ऐसी स्थिति फिर ना आए। सर, ये